शायद टीवी शो को देखने के बाद नाटो को भी पुतिन के प्लान की हवा लग गई। खबर आई कि एस्टोनिया में नाटो ने अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी। माना जा रहा है कि नाटो का यह कदम इसीलिए है क्योंकि एक अधिकारी ने एस्टोनिया पर हमले का रूस का प्लान बताया था। और इसी खतरे को भांपते हुए नाटो के 130 जवान एस्टोनिया के एयरबेस पर पहुंच गए। फ्रांस से जुड़े ये जवान अपने हाथों में बैग पकड़े विमान से बाहर निकलते दिखे। इसके बाद एयरबेस पर इनकी गिनती की गई। फिर उन्हें अधिकारियों ने नाटो के मिशन की जानकारी दी। यूरोप का देश एस्टोनिया कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2004 में ये नाटो से जुड़ गया और तभी से ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखों की किरकिरी बन गया। पर हर बार अमेरिका और नाटो एस्टोनिया की ढाल बनकर पुतिन के सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं यूक्रेन में पोलैंड बॉर्डर के पास रूसी सेना के मिसाइल हमलों में आई तेजी के बीच ब्रिटेन ने अपना स्काई सेबर मिसाइल सिस्टम वहां भेजने का फैसला किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने अपने पोलैंड दौरे के दौरान इसकी तैनाती का ऐलान किया, जो ब्रिटेन का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और इसी साल जनवरी में इसे ब्रिटेन की सेना के बेड़े में शामिल किया गया था। ब्रिटेन का दावा है कि इसकी मदद से पोलैंड को रूसी सेना की ओर से मिसाइल हमला होने पर बचने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये दुश्मन की मिसाइलों पर सटीक निशाना लगाने की काबिलियत रखता है। ब्रिटेन ने ऐसे वक्त में पोलैंड को अपना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है जब रूसी सेना ने यूक्रेन के उन इलाकों पर मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं जो पोलैंड की सीमा के काफी करीब हैं। हालांकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के ही हाथों में रहेगा, जो टेनिस की बॉल के जितने छोटे टारगेट पर भी सटीक निशाना साध सकता है। यही नहीं, ये हवा में आ रही दुश्मन की 24 मिसाइलों को एक साथ गिराने की भी काबिलियत रखता है और करीब 100 किलोमीटर दूर से ही ये दुश्मन की मिसाइलों को गिरा सकता है। इसके साथ ही ये दुश्मन के लेजर गाइडेड बमों और ड्रोन को भी अपने इलाके में नहीं फटकने देता, जबकि ब्रिटेन के इस एयर डिफेंस सिस्टम को कि अपने चारों तरफ 360 डिग्री पर नजर रहती है।